लाल जामुन चटनी किसने बनाई यार, ये सब खा जाऊंगा। वो कौन हूँ? आज मुझे इनवाइट मिला है मिस्टर फूड ब्लॉगर राहिल एंड इरफान भाई से। अस्सलाम वालेकुम यार, तो सीन ये था कि भाई इन्होंने बुलाया तो हमने कहा हम कैसे पीछे रह जाए, हम भी बुलाते हैं। हमें भी किसी ने बुलाया तो हमने इनको बुलाया, वाह वाह, और फिर यहाँ बुलाया। आज हमें यहाँ पे क्या खाने के लिए मिलने वाला है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड आई होप योर चॉइस इज नाइस। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। सर जी बताएं जरा अपने शॉप के बारे में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप आए हमारे पास, अपने कीमती वक्त निकाला। नवाज़ी सर, मेरा भाई जो है बड़ा भाई, उसने बोला कि यार हमारा ऑलरेडी एक सेटअप है लिमोजिन में, तो आपकी मर्ज़ी है आप यहाँ आना चाहते हैं या कोई और आपके लिए सेटअप कर दें। यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी जो है वो उनके लिए एक अलग सा कैफेटेरिया ओपन कर रहे हैं कबाब का, स्पेशल छपरी कबाब पाकिस्तानी स्पेशल। हमने इसके लिए पेशावर से उस्ताद को लेके आए हैं, इशफाक उस्ताद उसका नाम है, और उसके साथ पूरे स्टाफ को लेके आए हैं। वो पेशावर में तारुजबा मशहूर है, तारुजबे का मशहूर छपरी कबाब है। अलग बल्कि फिलिपिनी भी आते हैं वो भी खाते हैं और बड़ा पसंद करते हैं। माशाल्लाह पाकिस्तानी फूड जो है वो हर कोई पसंद करता है। जैसे यूएई के अंदर ये चीज़ मुझे बहुत ख़ास दिखती है, माशाल्लाह हर कल्चर यहाँ मौजूद है, कोई कमी महसूस नहीं होगी। जैसा उधर मिलेगा वैसे ही मिलेगा यहाँ पे। टेस्ट ऐसा था कि लोग पाकिस्तान से कबाब लेके आते थे यहाँ पे, अब उनको कोई ज़रूरत नहीं है, कबाब अलमदीना सतवा में आ सकते हैं, यहाँ पे डिलीवरी भी है सतवा में। आपका जो फेमस है वो क्या है, किस चीज़ से? हमारे पास है, इनकी वैरायटी है बीफ, मटन, चिकन, कैमल और दुम्बा, यानी जो आप सोच सकते हो ना सारे हलाल जानवर सब है यहाँ पे। हलाल जानवर? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, उसमें जानवर का गोश्त खाओगे ना, सब्जी खाने आ गया। नहीं हम यूएई में है, पाकिस्तान में। अच्छा, कौन कौन से जानवर हैं? जो भी हलाल है सब का गोश्त का कबाब मिल जाए, ऊँट हो गया, बकरा हो गया। फिर लोग ज्यादातर नली वाला भी पसंद करते हैं, हमारे पास नली वाला है। नली से तो हमें प्यार हुआ है। क्या चाहते हैं? कैमल का भी है, कैमल खाना है जरूर इंशाल्लाह। ऊँट ज़िबा हमने वहाँ पे खाया थी पोती, अब दादा खाएंगे आज कैमल। तो भाई दर आदम खेल के मशहूर चपली कबाब के बाद अब हम आए हैं तारुजबा का, मालम जब्बा के चपली में आस पास ही होगा। तारुजबा मालम जब्बा, नली से तो हमें प्यार हो ही चुका है, तो फिर उसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो बस लावेदान के साथ इंजॉय, स्पेशली अजमान से बंदे को पकड़ के लाए हैं भाई। मुझे ये लोग अजमान से लेके आए हैं और बोला है कि आप जब यहाँ पे खाना खाएंगे तो आप सब भूल जाएंगे, तो आज मैं भूलने आया। क्या बात है भाई, हमें मत भूलिएगा। Did you like kebab? Yeah, this one is first time trying here. It's good. So I hope you guys like it and you will be recommending our other kebabs also from Philippines and Pakistani world. Yeah. I love it. गुड। तो हमने आपको एक जगह दिखाया था कि पाकिस्तानी कस्टमर बोला था कि आओ ट्राई करो, यहाँ पे हमने आपको कबायन कस्टमर दिखाया जो कि कबाब खा रहा है और इन्जॉय कर रहा है। क्या बात है, माशाल्लाह। तो भाई इन कबायन की तरह अगर इन्जॉय करना है कबाब तो फिर यहाँ आ जाओ सतवा में, ये कैफेटेरिया है बड़ी मस्जिद के पास, तारुजबा के मशहूर चपली कबाब। तो भाई अभी हम चलते हैं किचन में और इनका प्रोसेस चेक करते हैं। तो जैसे नवील भाई ने बताया कि उस्ताद अशफाक स्पेशली तारुजबा से आए हैं दुबई यूएई में आप लोगों को मजे मजे के चपली कबाब, नली वाले चपली कबाब खिलाने। तो अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लो और प्रोसेस चेक।
भाई ये जो एक्सपर्ट सारे ये हैं। क्या बात, ये छोटा सा एक सेटअप है, कोजी सा, बड़ा जबरदस्त सा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। सीरियसली अगर चपली कबाब के फैन हो तो यहाँ जरूर आओ, ये एक हिडन जेम है, आओ इनको सपोर्ट करो और बेहतरीन कबाब ट्राई करो। तो भाई यार ये आ गए माशाल्लाह जबरदस्त किस्म के नली भाई, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है, मैं बिस्मिल्लाह करने वाला हूँ। अगर तुम ये शूटिंग वूटिंग बाद में कर लेना, मगर एक मिनट आपने खाना था कैमल वाला, अब ये मुझे हमें कैसे पता चलेगा? सब खा जाऊंगा, खुद टेंशन नहीं लो, सब आपका है। खातिर हजरात को जगन आई है, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम कहाँ की, क्या नाम था, कौन सा जब्बा था? तारो जब्बा का मशहूर पकौड़ा खबरों का बीबीसी लंदन का कबाब अल मदीना में तारो जब्बा के चपली कबाब खाने आए हैं। किस्म किस्म के कबाब हैं, एक दुम्बे का है, एक भैंस का, ऊंट का है, एक ऊंट का है और एक मैं भूल गया। तो भाई बेहतरीन जबरदस्त किस्म के यार, चेक करो यार साइज, चेक करो ऐसा जिगेंटिक सा साइज इसका भी। ओहो के पाकिस्तानी ड्रिंक स्टिंग, क्या जब स्टिंग करेगा तो पता चलेगा आप लोगों को। तो भाई बेहतरीन किस्म के जबरदस्त किस्म के यार ये नली वाले और चर्बी से भरपूर चपली कबाब, टमाटर, मिर्ची, यहाँ ना छोड़ो, ये तो मेरा वाला खा रहे हो मेरे ख्याल से। इरफान भाई आप पे जो जुल्म हो रहा है मैं इस वक्त बिल्कुल समझ सकता हूँ, पर हमारी मजबूरी, हम खा रहे हैं, आप वीडियो बनाइए। मेरा वाला कौन सा है इनमें से? सब आपके हैं। ताले तू बात में अंडा भी है भाई? हाँ स्पेशल है। बिस्मिल्लाह भाई, बिस्मिल्लाह भाई, मुझे तो पाकिस्तान याद आ गई टू बी ऑनेस्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इट इज अमेजिंग अमेजिंग माशाल्लाह भाई। सर दो पार्सल भी होंगे ये? यार बेहतरीन, इतना जबरदस्त, नरम, टेंडर, खुल गया मुंह में, मजा आ गया यार, मतलब जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा मजा आ रहा है। मुझे तो बात करने को भी दिल नहीं जा रहा है इस वक्त। आई एम वेरी सॉरी इरफान भाई, आप वीडियो बना रहे हैं और हमें खाते हुए देख रहे हैं, खा लो यार, बस नजर मत लगाना हमें। साले मैं तुझे हरी मिर्ची डालेंगे मिर्ची के साथ, वैसे मैं जरा कम ही खाता हूँ लेकिन फिर भी ट्राई करने में कोई हर्जा नहीं है। बिस्मिल्लाह मिर्ची में इतनी मिर्ची नहीं है, इट्स वेरी नाइस, ईटेबल है, सरप्राइजिंगली क्रिस्पी फ्राइड, उसका अपना टेस्ट आ रहा है, मिर्ची और भूख और कबाब और नली, बस यार ओफ धमाका हो रहा है, धमाका, ओए होए होए, हर चीज लाजवाब है, तैयार मजेदार खस्ता कबाब, होए होए होए, द बीबीसी द लंदन द द पखपो द खबरों द बीबीसी लंदन द कबाब खस्ता द तैयार मजेदार जलता राशा, आ जाओ अमेजिंग, और साइज चेक करो और जो टेंडरनेस है और जो amazing. मसाले इन्फ्यूज होके आ रहे हैं और जो टमाटर मिर्ची, नली ने तो भाई तबाही फेर दी है, देर जबरदस्त कबाब दे, मूंगा टेस्ट हो, तासुम टेस्ट, मूंगा खाड़ू मैंने खा ले पहले वो खाड़ू वो खाड़ू सब चीज खाड़ दूंगा मैं, बस अल्हम्दुलिल्लाह खखवाले कबाब दे, बस टेस्ट को روزانار چې موږ پلا دا ته ډېر خو صحیح ده او دینه خکا به په تاسو ته انشاء الله امارات کې نه ملایي صحیح شو نو بھائی سارا لپیٹ لیا ہم نے اور اب چٹنی ہوئے بہت مزہ آیا مجھے چٹنی کس نے بنائی یار یہ کیوں کیا ہوا کس نے بنائی ہے بلا اس کو آپ نے بنائی ہے ہاتھ کدھر آپ کو سر क्या बात है यार जादू आपकी चटनी में मजा आ गया इसके हाथ काट दो ताजमहल बना भाई पूरे सतवा में ऐसी चटनी कहीं नहीं मिलेगी कबाब भी हाँ वो तो है तो फिर चटनी के लिए आ जाओ अब हम वेट कर रहे हैं कावा क्या वो कावा, मेरा कावा। दोस्त था एक इजिप्शियन हम लोग बात कर रहे थे आपस में वो एक दिन उठा बोलता है व्हाट इज दिस कावा 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 एवरी टाइम यू से कावा मैंने कहा इट्स क्या हुआ मतलब व्हाट हैपेंड तो भाई ये आ गई है छेनक ओए होए होए माशाल्लाह यार ये ऐसा लग रहा है हम पाकिस्तान में बैठे हैं छेनक आ गई है ओए होए होए क्या बात है अच्छा तो मैं डालूं आपके लिए भाई ये चाय पीने का तरीका ये है कि आपने चाय हम आपको चाय चाय में पहले ये डालना है नहीं 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 फिर ये डाल सबर ये यो मिनट सबर आकर यो मिनट ओके ये चाय ऐसा इसमें डाल दिया आपने ओके अब आप ये लेने चाय ओके
इसमें कुछ नहीं डालना आपने। क्यों, इसमें ये जाएगी ना, ये गुड्स में जाएगा ना, ये आपने खाना है सीधा, ये पिए, सिप करें और साथ में खाएं तो स्वीटनेस पीछे तो से केक। पहले खाऊं या पहले खा ले डुबो के खाओ। गुड़ भी बेहतरीन है भाई माशाल्लाह। मुझे तो पसंद है इसका टॉफी, खोइठा में ऐसा कहता था। अब ये टॉफी चूसते रहो माशाल्लाह। जो गुड़ की बात है वो गुड़ की है, है ना, क्योंकि ये चाय आपको और कहीं नहीं मिलती। स्पेशल पत्ती लाते हैं पेशावर से और ये टॉफी है। इतना हैवी जो हमने खाया है, एब्सोल्युटली इस तरीके का खाना खाने के बाद इस तरह का कहवा तो लाजिम है, मतलब उसके साथ होना चाहिए, ज़रूर लें ये वाला, क्योंकि ये ठंडा कर देगा। बोल दे कुछ तो जो सारा ग्रीसी चर्बी और वो सब हमने खाया है, तो उसको नीचे उतारने के लिए, हाँ बिल्कुल, क्लियर आउट करने के लिए, जीरो हो जाएगा इसके बाद। हम लोगों को बहुत मज़ा आया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त हो गया। सतवा में कबाब अल मदीना नाम ही काफ़ी है, सिर्फ बोलो आपको कोई ना कोई छोड़ जाएगा यहाँ पे। तो आ जाओ, इन्जॉय करो कबाब और साथ में चाय, और जो नहीं आ रहा तो फिर ये गुड़ खाओ।